रेटवा के उप सरपंच ने हेला पड़ाव पुलिस चौकी पर पदस्थ पुलिस कर्मियों पर बेवजह हिरासत में लेकर पिटाई करने और छोड़ने के एवज में 15,000 रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत की है। पीड़ित ईश्वर ने बताया कि वह रेटवा का उप सरपंच होकर अपनी बहन के यहाँ काठिया बांदर बुधवार को गया था। यहाँ बहन के घर पर आंगन में कुर्सी पर बैठा था। इसी दौरान पुलिसकर्मी रमेश पवार, कमल यादव आए और मुझे पकड़कर हेला पड़ाव पुलिस चौकी ले गए। वहां रात भर पिटाई की। सुबह मेरी बाइक और मोबाइल रख लिया और कहा कि 15,000 रुपए देकर जाना और बाइक और मोबाइल ले जाना। उन्होंने पकड़ने का कारण भी नहीं बताया। दूसरे दिन 15,000 रुपए देने के बाद बाइक और मोबाइल लेकर लौटाए। एसपी से शिकायत के बाद ईश्वर ने बताया कि एसपी ने मामले में भिकनगांव एसडीओपी से जांच का आश्वासन दिया है। खरगांव से ब्यूरो की रिपोर्ट। गाँव के उप सरपंच है ईश्वर भाई, जो इनके बहन के यहाँ गए थे, तो वहाँ से ये पुलिस वालों ने जबरन उठा के ने इनके साथ में मारपीट करी है। तो हम ये शिकायत लेके यहाँ पे आए हैं कि इनके प्रति जो भी है कड़ी कार्रवाई या फिर इनको सस्पेंड किया जाए। अगर आदिवासियों के इनके बहन के यहीं पे मेहमान गए थे, विवाद कुछ नहीं, वो आए 10-11 बजे के समथिंग, क्लियर टाइम का तो पता नहीं है भाई यहाँ किस कारण आए। तो ये बोले कि बहन के यहाँ मेहमान आ रखे है, इस दौरान उन्होंने मारपीट चालू कर दी और इसको उठा कर चौकी ले गए। क्या आश्वासन दिया सर ने आपको? सर ने बोले अगर जांच अगर सही पाई गई, अभी डीएसपी साहब को जांच दी गई है और अगर सही जांच में पाया गया तो उनको सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? सोहन कछवाहे, ग्राम रेटवा। मैं रेटवा का उप सरपंच हूँ ईश्वर। मैं मेरी बहन के यहाँ गया था काठिया बांधन, तो वहाँ से मेरे को रमेश पवार और कमल यादव ने उठा के ले गए हेले पड़ावा चौकी पे और वहाँ से भयंकर मार मारे रात भर। फिर सुबह बिठा दिए 2 घंटे तक, फिर 2 घंटे तक बिठा दिए, फिर मेरे को बोले अब जा और मोटरसाइकिल और तेरा मोबाइल ले जाना, 15,000 ले कर आना। तो मैं गया, एक दिन गाड़ी ने मोटरसाइकिल मोबाइल वहीं रही। फिर दूसरे दिन शाम को 5 बजे गया, न 15,000 उसका हाथ में देखा आया, ने फिर वो चाबी दी मोटरसाइकिल की और मोबाइल दी। कारण क्या रहा? काई ने ऐसा तो उठा के ले गया ना, फिर बाद में वो वहाँ यहाँ काई के लिए बैठा है बोले, तो मैंने मेरी बहन के आ रखा हूँ, फिर डायरेक्टर ये लात मारा, मैं कुर्सी पे बैठा था। बात क्या था, मामला क्या? कहीं भी नहीं मामला था उसमें, मैं तो वहाँ मेहमान जा रहा था। मेहमान जा रहा था ना, मामला शाम को गया था 5 बजे का। जबरनी उठा ला और जबरनी आने लगा, जबरनी में उसने लात मारा। फिर क्या शिकायत करी आपने, क्या मांग करी? मांग करी मैंने 15,000 रुपये वहाँ से मेरे से लिए, उसने मार मारे उसने मेरे को रात भर मारा न, फिर मार करने के बाद में भी 15,000 रुपये भी ले लिए। कार्रवाई की आपने क्या करी? कितना मारा आपको? मेरे को एक कमल साहब और पवार, रमेश पवार और वो ड्राइवर वो मोहन, उसको कार्रवाई करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? ईश्वर। अभी आप साहब से मिले क्या, आश्वासन दिया? हाँ मिला था। क्या बोले साहब? वहाँ डीए साहब पे जाओ, भिगन गाँव बोला आपने उनको। क्या नाम है आपका? ईश्वर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।